नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स मई 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। ये लिस्ट आपको बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है क्योंकि इस लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है। मारुति की इग्निस, मारुति की सेलेरियो, टोयोटा की ग्लांजा, ह्यूंडई की सेंट्रो जैसी गाड़ियाँ जो हमेशा इस लिस्ट में शामिल होती हैं, वो गाड़ियाँ आज इस लिस्ट से बाहर हो गई हैं। और 10वें पायदान पर जो गाड़ी आ चुकी है उसका नाम सुनकर आपको तो सबसे बड़ा शॉक लगने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं और सभी गाड़ियों के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स मई 2020 के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है मारुति की स्विफ्ट। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 597 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 8575 यूनिट बेचकर तीसरे पायदान पर थी। लेकिन इस महीने सीधे 7 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 10वें पायदान पर आ गई है, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,02,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है दोस्तों रेनॉ की क्विड। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 684 यूनिट यानी कि 684 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने ये गाड़ी इस लिस्ट में एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,02,300 रुपये से शुरू होकर 5,11,200 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों ह्यूंडई की ग्रैंड आई10 नियोस। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 718 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 4293 यूनिट बेचकर चौथे पायदान पर थी। लेकिन इस महीने सीधे 4 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 8वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,07,000 रुपये से शुरू होकर 8,30,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है टाटा की टियागो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 857 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने ये गाड़ी भी इस लिस्ट में एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,60,000 रुपये से शुरू होकर 6,60,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है दोस्तों ह्यूंडई की आई20। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 878 यानी कि 878 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 3455 यूनिट बेचकर भी 6ठे पायदान पर ही कायम थी। जो भी कंज्यूमर i20 को ख़रीदना चाहते हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द ही ऑल न्यू i20 लॉन्च होने वाली है, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी वर्थ वेटिंग एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,50,000 रुपये से शुरू होकर 8,31,000 रुपये तक की मिल जाती है। दोस्तों ये जो प्राइस मैंने अभी यहाँ बताई है ये एग्जिस्टिंग कार की है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है फोक्सवैगन की पोलो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,126 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने ये एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,83,000 रुपये से शुरू होकर 9,60,000 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 4ठे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की वैगन आर। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,199 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 9,151 यूनिट बेचकर दूसरे पायदान पर थी। लेकिन इस महीने सीधे 2 पोजीशन नीचे खिसक कर ये चौथे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,51,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 6,00,000 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है टाटा की अल्ट्रोज। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल
1379 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 1147 यूनिट बेचकर 10वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने अचानक से 7 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,29,000 रुपये से शुरू होकर 9,34,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की ऑल्टो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1506 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने ये गाड़ी भी इस लिस्ट में एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ऑल्टो आपको 3 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 4,41,300 रुपये तक की मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनली नंबर वन के पायदान पर कौन सी गाड़ी आई है। तो इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है मारुति की बलेनो। मई के महीने में पूरे भारत में बलेनो की केवल 1587 यूनिट्स यानी कि 1587 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में भी ये गाड़ी नंबर वन के पायदान पर थी, लेकिन मार्च के महीने में इस गाड़ी की 11,406 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,71,000 रुपये से शुरू होकर 9,03,112 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो मई के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।